हाय फ्रेंड, मेरा नाम सिंटू कुमार है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल टच विजन। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेनोवो का जो रिकवरी प्रॉब्लम आता है उसका सलूशन करके दिखाऊंगा। तो देखिए, रिकवरी जो प्रॉब्लम आता है किस प्रकार से आता है। देखिए, रिकवरी मैसेज शो करने के बाद ये सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाती है, उसके बाद फिर से वहीं कोड जनरेट होकर आता है। देखिए, इसका एरर कोड लिख कर आ रहा है, बूट BCD एरर कोड जनरेट करके अपना दिया। तो इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम होता है PC या लैपटॉप में, तो इसका सलूशन आप किस प्रकार कीजिएगा उसकी पूरी डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रकार का एरर मैसेज सिस्टम दे रहा है, तो इसको आपको रिपेयर करके देखना है। अगर रिपेयर में ये ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो इसे फिर आपको सी ड्राइव फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसमें आपका सी ड्राइव है जो विंडोज़ होता है वो क्रैप हो चुका है किसी कारणवश, तो आपको ये रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो फिलहाल आपको हार्ड डिस्क को सी ड्राइव में जो होगा आपका फाइल उसे विंडोज़ का फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यू विंडोज इंस्टॉल कर दीजिए, आपका ये सोलूशन हो जाएगा। PC आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आपका इस प्रॉब्लम में सी ड्राइव पूरा करप्ट हो चुका होता है, विंडोज़ का जो भी फाइल रहता है, इसके वजह से कोड जनरेट करके आपको PC आपका सिस्टम, देखिए अभी फिर बंद हो गया, फिर चालू हो जाएगी और फिर वहीं कोड जनरेट करेगी। मैं कुछ बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, खुद अपनी है आप ऐसे हो रही है, तो इसका सलूशन मैं कर रहा हूँ। चलिए, मैं अपना एक पेन ड्राइव ले चुका हूँ, अब मैं इसे अपने सिस्टम में लैपटॉप में लगा ले रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना बूटेबल की प्रेस करता हूँ, ये मैं इसे बंद कर ले रहा हूँ। बंद करने के बाद इसका बूट की FN और इसका F12 की है, तो चलिए मैं इसे प्रेस कर लेता हूँ। देखिए, मेरा सनडिक्स का पेन ड्राइव है, इसमें मेरा ISO फाइल बूटेबल बना हुआ है विंडो 7 का, तो चलिए मैं इसे पर प्रेस करता हूँ। एनी की प्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो मैं प्रेस कर दिया। ये देखिए, विंडोज इंस्टॉलेशन लेने के लिए पॉपअप खुलकर आ चुका है। इस प्रकार से खुलकर आ गया इसका पॉपअप। चलिए, मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ, मेरा सब चीज़ सही है, इंस्टॉल कर लेता हूँ ऊपर से। सेटअप स्टार्टिंग हो रही है विंडोज। देखिए, इसमें से मेरे को कौन सा इंस्टॉल करना है, डैज ओमी, मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक्टिवेटर थ्रू मेरा को इसे एक्टिवेट करना, तो मैं ओमी करता हूँ। इसमें ऑटोमेटिक होता है भी, एक्टिवेटर के थ्रू भी होता है, तो चलिए मैं ओमी का सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर टर्म ऑफ कंडीशन मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों को अपग्रेड नहीं करना, इसे कस्टम इंस्टॉलेंस करना है, तो मैं कस्टम इंस्टॉलेंस मर गया। देखिए, मेरा सी ड्राइव है जो पार्टीशन 2 में है, तो फिलहाल मैं इसे फॉर्मेट कर लेगा। चलिए, मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। चलिए, पूरा सी ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है, एक बार और मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ। चलिए, सी ड्राइव इसका पूरा फॉर्मेट हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट क्लिक कर दे रहा हूँ। ये देखिए, विंडोज स्टार्टिंग ले चुका है। तो आपका भी इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है PC या लैपटॉप में, तो आपको इस प्रकार सोल्यूशन करना है, विंडोज़ को अपना सी ड्राइव को फॉर्मेट करना, जो विंडोज क्रैप हो जाता है उस प्रकार से एरर कोड आता है। आपका कोई ऐसे दिक्कत नहीं होता, हार्डवेयर से नहीं, सॉफ्टवेयर की इशू है। हार्डवेयर से कभी कभी आता है इशू, उस स्थिति में आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, आपका जो रैम से प्रॉब्लम होता है सिस्टम ऑन होगी लेकिन बूट करिए डिस्प्ले नहीं आएगी, तो होता है इस प्रॉब्लम में। आपका सबसे ज़्यादा पहले तो आपका सी ड्राइव ही क्रैप हो जाता है, या विंडोज लोड करने वक्त भी इस प्रकार से इशू होता है, आपका पेन ड्राइव क्रैप हो जाता है विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद, तो भी एरर कोड आपको जनरेट कर देता है।
और अगर बाय चांस आपका सिस्टम कभी हैंग कर जाता है तो उस स्थिति में आपका भी सी ड्राइव करप्ट होता है। उसके बाद ही कोड जनरेट करके आपको पीसी या लैपटॉप अब मैसेज इरर शो करने लगता है। तो आपका सोल्यूशन करने के लिए आपको अपना सी ड्राइव हार्ड डिस्क का फॉर्मेट करना पड़ेगा जिसमें आपने विंडोज इंस्टॉल किए हुए रहे हैं। तो चलिए मैं इसे फिलहाल फॉर्मेट के लिए दे चुका हूँ। आप इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग होने में थोड़ा सा समय लगेगा इसका, तो फिलहाल मैं वीडियो को अभी पॉज कर देता हूँ। जब ये कंप्लीट होती है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ किस प्रकार आगे का प्रोसेस कर इसको आप पूरा इंस्टॉल कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, लास्ट में ये अपना लास्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर रहा है विंडोज। तो उसके बाद जो प्रोसेस की होता है वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। ये अपना 4 कंप्लीट कर चुका है, ये लास्ट कंप्लीट इंस्टॉलेशन ले रहा है विंडोज। तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रहिएगा तभी आपको पता चलेगा क्या क्या किया जाता है आगे इसको। ये देखिए अपना नेक्स्ट सेटअप के लिए पीसी रीस्टार्टिंग के लिए जा रहा है। स्टार्टिंग विंडोज ले रही है। सेटअप प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फर्स्ट यूज ले चुका है। ये देखिए सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस ले चुका है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब पीसी नेम लिखने के लिए आ चुका है। तो अपना पीसी नेम इसमें इंटर कर देता हूँ। चलिए मैं अपना पीसी नेम इंटर कर चुका हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड देने के लिए आता है, पासवर्ड आप लगा सकते हैं। यहाँ से मैं अपना चाहे टाइम कोड चेंज कर लूँगा, यहाँ से टाइम मैं अपना इंडिया टाइम कर लूँगा। तो चलिए मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर दिल्ली मुंबई कोलकाता हमको करना है, कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली मैं सिलेक्ट कर लिया। आज का डेट मेरा ठीक है, 2 तारीख है, 3:01 हो रही है, डेट मेरा और टाइम मेरा सही है। तो मैं फिलहाल नेक्स्ट कर देता हूँ। विंडोज इज फाइनलाइजिंग योर सेटिंग, मेरा विंडोज का सेटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये फाइनली अपना डेस्कटॉप आइकन खुलकर आ चुका है। अब उसके बाद इसका माई कंप्यूटर लाना है। तो माई कंप्यूटर आप कहाँ से लेगा, तो इसमें राइट क्लिक कीजिए माउस का, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप उसके बाद देखिए यहाँ पर है डेस्कटॉप आइकन्स, चेंज डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से जाकर आप जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसको लेना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल सारा चीज़ ले रहा हूँ, कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर, यूजर फाइल्स और नेटवर्क्स, मैं सारा क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली ओके कर दूंगा। तो देखिए डेस्कटॉप पर है सारा चीज़ मेरा आ चुका है। आप इस प्रकार से अपना माई कंप्यूटर और नेटवर्किंग ला सकते हैं। उसके बाद जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा वो आपका डेस्कटॉप पर सुन होने लगेगा। देखिए फिलहाल मेरा हो चुका है, मैं अपना देख सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।